हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेढ़ी बगिया में। दोस्तों मैं हूं विकास राठौर, बीएससी एग्रीकल्चर एंड फूड प्रिजर्वेशन एंड कैनिंग। दोस्तों आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कि मूंगफली को किस प्रकार से आप ग्रो कर सकते हैं और उसकी मिट्टी किस प्रकार से बनाएं, मूंगफली के पौधों को किस प्रकार के उर्वरक और फर्टिलाइजर की आवश्यकता होती है, ये भी हम इसमें कम्प्लीट बता करके चलेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता के चलेंगे कि आप किस प्रकार से मूंगफली के पौधों को जल्दी से उगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों देर ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट और बताते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता होगी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें चाहिए होगा गार्डन सॉइल। गार्डन सॉइल आप दोस्तों देख ही रहे होंगे, गार्डन सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि मूंगफली हम उगा रहे हैं तो गार्डन सॉइल कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों गार्डन सॉइल आपके पास या तो बलुई मिट्टी होनी चाहिए या फिर आपके पास दोमट मिट्टी होनी चाहिए। और अगर आप सॉइल मिक्सचर तैयार कर रहे हैं तो आपको इस तरीके का सॉइल मिक्सचर तैयार करना है जिससे पानी अच्छे से निकल जाए, क्योंकि अगर पानी ठहरता है तो मूंगफली उसमें नहीं जम पाएगी और ना ही उसमें अच्छे से फ्रूटिंग हो पाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मिट्टी चूज करते समय यही ध्यान रखना है कि मिट्टी आपको कैसी लेनी है, बालुई मिट्टी हो या फिर आपकी जो चिकनी मिट्टी होती है वो। अगर आप सॉइल मिक्सचर तैयार करेंगे तो नॉर्मली आपको क्या करना है, अच्छे से मिक्सचर तैयार करना है। और दोस्तों मिट्टी बनाते समय आपको सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि जब आप गार्डन का सॉइल लेकर के आएंगे तो उस गार्डन सॉइल को 1 से 2 दिन के लिए धूप में जरूर छोड़ दें, ताकि उसमें से जो भी फंगस बैक्टीरिया हों तो वो ख़त्म हो जाएँ। उसके बाद आप मिट्टी को अच्छे से किसी भी चलने की मदद से अच्छे से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद, क्योंकि जो मूंगफली के पौधे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा बारीक मिट्टी पसंद होती है, तो दोस्तों इसको ध्यान में ज़रूर रखें कि मिट्टी आपको बहुत बारीक लेकर के चलनी है। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट आता है हमारे पास जो है कोकोपीट। अब आप चाहें तो दोस्तों कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें कोई भी सैंड, जो रिवर सैंड होता है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट अवेलेबल नहीं है दोस्तों तो आप उसमें रिवर सैंड जरूर ऐड कर लें। रिवर सैंड से क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मिट्टी है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन हो जाता है, यानी उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रुकता है, तो कोकोपीट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेन इंग्रेडिएंट, वो है हमारा वर्मी कंपोस्ट। तो दोस्तों जैसे वर्मी कंपोस्ट तो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला प्रोडक्ट होता है जो कि प्लांट्स को बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन देता है, तो इसकी मात्रा तो होना बहुत ही ज़रूरी है। और दोस्तों वर्मी कंपोस्ट के साथ में आपको ऐड करने होंगे नीम खली। नीम खली का भी होना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या रहता है, जो पौधों की जड़ें होती हैं उनमें फंगस वगैरह बैक्टीरिया नहीं लगने देता, और इसमें एनपीके की मात्रा भी बहुत अच्छी बनी रहती है। और दोस्तों उसके बाद हमें चाहिए होगा हमारा मस्टर्ड केक पाउडर। आप देखिए जो मस्टर्ड केक होता है आप वो भी यूज कर सकते हैं, मस्टर्ड केक पाउडर भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप सॉइल बना रहे हैं तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप सॉइल बना रहे हैं, सॉइल मिक्सचर बना रहे हैं, तो उसी में आप जो सरसों की खली है उसको मिक्स कर लें, मस्टर्ड केक पाउडर को मिक्स कर लें, तो इसलिए। और दोस्तों मस्टर्ड केक को ऐड करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जो हमारी मूंगफली के पौधे होते हैं उनको भी एनपीके की मात्रा बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। और उसके बाद हमें चाहिए एक वाटर कैन वाटरिंग करने के लिए, और अब एक चाहिए एक पॉट। अगर दोस्तों आपके पास पॉट अवेलेबल नहीं है तो आप इस तरीके की जो हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर ऐसी क्रेट ले सकते हैं। ये ट्रे होती है, ये आपको वेजिटेबल्स वाली जो मंडियां होती हैं वहाँ पे मिल जाती है दोस्तों, या आप चाहें तो मार्केट में भी अवेलेबल होती हैं। इसमें बहुत ही आसानी से आप इसको ग्रो कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी दोस्तों मूंगफली को ग्रो करने के लिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम तैयार करते हैं अपना क्रेट। देखिए दोस्तों ये जो ट्रे है हमारा, इसमें बहुत बड़े बड़े होल्स बने हुए हैं, तो इन होल्स से मिट्टी जो है वो बाहर जा सकती है। इसके लिए हमें क्या करना है, इस ट्रे को बहुत अच्छे से कवर करना है। कवर करने के लिए इसमें हम नीचे जो है एक प्लास्टिक की बोरी देंगे, उसका कटिंग करके इसको बिछा देंगे ताकि जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ ना निकले। और दूसरी चीज़ है, और इसमें साइड में हम अखबार लगाएंगे, जो पेपर होता है न्यूज़पेपर वो लगाएंगे, ताकि इसमें से मिट्टी जो है बह करके बाहर ना चली जाए। और दोस्तों अगर आप ये भी नहीं लगाना चाहते तो आप कोई सूती कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है उसको आप इसमें बिछा करके फिर इसमें सॉइल मिक्सचर फिल कर सकते हैं, या फिर आप कोई भी जो जूट की बोरी होती है उसको भी आप इसमें बिछा सकते हैं दोस्तों। तो ये आप पे डिपेंड करेगा दोस्तों आप क्या लगा सकते हैं, और सारी चीज़ें बेल ड्रेन ही काम करेंगी। तो चलिए दोस्तों इस तरीके से तो हमारा ये ट्रे तैयार हो गया है। अब इसमें सॉइल मिक्सचर, मेन बात आती है सॉइल मिक्सचर की। तो देखिए सॉइल मिक्सचर तैयार करने के लिए हम क्या लेंगे, जैसे इंग्रेडिएंट्स हमने बताए थे कि हमारा जो गार्डन सॉइल है, कोकोपीट है,
वर्मी कंपोस्ट है और आपका नीम खली है और मस्टर्ड केक है, इन सब की सही रेशियो मिला करके रखेंगे। और जो रेशियो हम मिला रहे हैं वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाकर चल रहे हैं कि हम किस प्रकार का मिक्सचर तैयार कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स उसमें कितनी मात्रा में ले रहे हैं। तो दोस्तों आप भी इसी तरीके का इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर करके सॉयल मिक्सचर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें अब हमने ले ली हैं, अब इनको अच्छे से हम क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों ले रहे हैं गार्डन सॉयल जो हमने धूप में पहले ही सुखा करके तैयार कर ली थी। दोस्तों धूप में मिट्टी को जरूर सुखाएं ताकि उसमें कोई भी फंगस ना रह पाए। और दूसरा है हमारा कोकोपीट, और दोस्तों जब आप कोकोपीट तैयार कर रहे हैं तो इसको अच्छे से वॉश कर लें। और ये है हमारा वर्मी कंपोस्ट जिसकी क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है। और दोस्तों इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें अपना नीम खली। नीम खली हमारे जो मिट्टी रहेगा पॉटिंग मिक्स उसमें फंगस नहीं लगने देगा और न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। ये है हमारा मस्टर्ड केक जिसकी मात्रा हम ऐड करेंगे जो हमें फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो चलिए दोस्तों इसको जल्दी से कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। मिक्स करते समय ध्यान रहे दोस्तों आपको पूरी तरीके से सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस गार्डनिंग टूल की मदद से हम अपने सॉयल मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फाइनली दोस्तों ये हमारा सॉइल मिक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब हम करते हैं इसमें फिलिंग। तो दोस्तों फिलिंग करते समय बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है कि जैसे अगर आप हमारी तरह ही एक ट्रे में ग्रो कर रहे हैं तो ये जैसे ये हमने न्यूज़पेपर लगा रखे हैं या नीचे जो भी हमने बिछा रखा है उसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और जो पहली जो मिट्टी है वो हमें इन अखबारों के आसपास ही डालनी है ताकि ये जो अखबार हैं वो अच्छे से स्टैंड बने रहें और इनसे मिट्टी जो है बाहर ना निकल पाए। तो ये करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों कि जो अखबार हैं वो कोई भी होल खुला ना रह जाए जिससे बहुत ज़्यादा मिट्टी बाहर निकल जाए। अगर दोस्तों अगर आप गमले में कर रहे हैं तो गमले में दोस्तों सबसे पहले नीचे जो ड्रेनेज होल है उसको कवर करना होगा, जिसे आप किसी भी एक स्टोन या पत्थर की मदद से कर सकते हैं या किसी गमले टूटे हुए गमले की मदद से कर सकते हैं। दोस्तों अब फिलिंग करने के बाद ये रेडी हो गया हमारा जो पॉट है, क्रेट है, हमने फुल अपना सॉइल मिक्सचर फिल करके तैयार कर लिया। तो देखिए दोस्तों ये हैं हमारे मूंगफली के सीड जिनको हमने पहले ही तैयार कर लिया था। तो मूंगफलियों को उगाने से पहले मूंगफलियों के जो सीड हैं उनको आप बाज़ार से ख़रीद सकते हैं, जो नॉर्मल जो किराना स्टोर होते हैं वहाँ पे कच्ची मूंगफलियाँ मिल जाती हैं और उन मूंगफलियों को आप ख़रीद करके उन्हीं को बीज के रूप में तैयार कर सकते हैं। बीज बोने से पहले दोस्तों आपको जो बीज है उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगोकर रखना है। उससे क्या होगा, जो बीज है आपका वो हार्ड होता है वो सॉफ्ट हो जाएगा और उसमें अंकुरण बहुत जल्दी आ जाएगा। और फिर उसके बाद आप उसको डायरेक्टली सोइंग कर सकते हैं, बुआई कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप इनको पर्टिकुलरली सिंगल सिंगल बीज लगा करके छोटे कप वगैरह में पौधे तैयार कर सकते हैं। पौधे तैयार होने के बाद उनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने तो यहाँ पे पहले जो बीज थे हमारे वो तैयार करे थे, उनको भिगो करके पानी देकर उनको भिगो करके तैयार कर लिया था और हमने उन्हें कोकोपीट में लगा करके छोड़ दिया था। तो ये हमारे जो सीड्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। तो दोस्तों ये सीड्स हमारे तैयार हैं, अब इन सीड्स को हम लगाते हैं अपने ट्रे में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा सॉइल मिक्सचर है दोस्तों उस सॉइल मिक्सचर को मैं छोटे छोटे से गड्ढे बनाएंगे इस प्रकार से, इस ऐसे किसी गार्डनिंग टूल से। और दोस्तों अगर आपके पास ऐसे टूल्स अवेलेबल नहीं है और आप ऐसे टूल्स परचेज करना चाह रहे हैं और आपको गार्डनिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है तो दोस्तों इसका परचेजिंग जो लिंक है वो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जा करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर बहुत बेहतरीन ऑफर भी मिल रहा है जिससे आप इसको बहुत ही कम प्राइस में परचेज कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये छोटे छोटे से गड्ढे तैयार कर लिए हैं, अब जो हमारे बीज हैं अब हमको उनको इस तरीके से इसमें लगाना शुरू कर देते हैं। लगाने बीज लगाते समय ध्यान रहे दोस्तों ये जो मूंगफली के दाने होते हैं उनको हमेशा जो उनका पीक वाला हिस्सा होता है, जो चोंच वाला हिस्सा होता है उसको हमें नीचे करके लगाना होता है, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं वो दोस्तों उल्टी तरफ से निकल करके आती हैं और जो रूट्स होती हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको इसको लगाना है।
अब इसके बाद आपको जो सॉइल मिक्सचर है उसका एक लेयर और लगा देना ताकि ये कवर्ड हो जाए, क्योंकि और ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नीचे दब जाएंगे, इसलिए आपको बहुत पतली लेयर लगानी है। अब दोस्तों फाइनली ये हमारा ट्रे जो है वो तैयार हो चुका है फिल होने के बाद। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें वाटरिंग करनी है। तो वाटरिंग करने के लिए ऐसी वाटर कैन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास वाटर कैन नहीं है तो उसका भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हैं। तो देखिए अब इस वाटर कैन से हम इसमें वाटर स्प्रे करते हैं। और दोस्तों वाटर कैन से ही क्यों कर रहे हैं ये भी आप सोचने वाली बात है, क्योंकि वाटर कैन जो रहता है दोस्तों वाटरिंग अच्छे से करता है और जगह जगह मिट्टी में गड्ढे नहीं बनते हैं, क्योंकि जब आप ग्लास से या किसी बर्तन से पानी डालते हैं तो जो गमला रहता है, जो मिट्टी रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा गड्ढे बन जाते हैं और प्लांट्स की रूट्स बाहर निकल जाती हैं। तो इसलिए दोस्तों हमेशा वाटरिंग जो है वाटर कैन से करिए, जिससे आपके जो पौधे हैं उनमें नुकसान नहीं होगा। तो चलिए इसमें अच्छे से वाटरिंग कर देते हैं दोस्तों। अब हम इसमें पहली बार वाटरिंग कर रहे हैं तो इसको अच्छे से वाटरिंग करेंगे ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से वाटर कंज्यूम कर ले और पूरी तरीके से नम हो जाए। तो फाइनली दोस्तों ये वाटरिंग होने के बाद हमारा ट्रे तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी क्या कर सकते हैं, मूँगफली लगा सकते हैं, और इसके जो नए अपडेट्स होंगे दोस्तों वो हम आपके साथ जल्दी से जल्दी शेयर करते रहेंगे। वाओ दोस्तों देखिए मात्र 6 दिन के अंदर कितना शानदार रिजल्ट आ चुका है, हमारे पौधे मिट्टी से बाहर आना शुरू हो चुके हैं। और देखिए दोस्तों कितने बेहतरीन पौधे मूंगफली के हमारे ग्रो हो रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन ग्रोथ के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और नई अपडेट्स के लिए आगे बने रहें। देखिए कितने शानदार ग्रो हुए हैं हमारे पौधे, और कुछ पौधे अभी ग्रो नहीं हुए हैं, कुछ छोटी छोटी पत्तियों के साथ ग्रो हो रहे हैं। अभी लगभग हमारे 2 से 3 पौधे ग्रो हो चुके हैं। तो फाइनली दोस्तों यानी कि हमारा रिजल्ट बहुत ही शानदार आने वाला है और हमें बहुत सारी मूंगफलियां मिलने वाली हैं। तो मूंगफलियों के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों ये है हमारा नेक्स्ट 8 डेज का अपडेट, जिसमें बहुत सारी पत्तियां बन चुकी हैं हमारे पौधों में, और जो छोटे पौधे थे वो भी बाहर आना शुरू हो चुके हैं, और कुछ और नए छोटे पौधे निकलकर बाहर आ चुके हैं और उनमें भी छोटी छोटी पत्तियां बन करके तैयार हो चुकी हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। तो ऐसे शानदार वीडियोज़ के लिए लाइक तो बनता ही है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। और जिन लोगों को गार्डनिंग की आवश्यकता है, गार्डनिंग पसंद करते हैं, उनके साथ ऐसे शानदार वीडियो शेयर जरूर करते रहें। अगर दोस्तों आप गमले में मूंगफली के पौधे उगाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने ये वीडियो बना रखा है जो हमारे इस साइड आ रहा है, इस पे जाकर के आप क्लिक करके देख सकते हैं दोस्तों। और गार्डन से जुड़ी बहुत सारी जानकारी, फल फूल सब्जियां उगाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं फिर गार्डन के किसी टिप्स एंड ट्रिक के साथ या फिर किसी नई गार्डनिंग ब्लॉग में। तो ओके दोस्तों, टाटा बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग दोस्तों।